वेलकम टू गुजरात फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच शिवराजपुर बीच। तो हाँ जी, निकल चुके हम शिवराजपुर बीच की ओर। द्वारका से 12 किलोमीटर है, शिवराजपुर गांव से होते हुए हम जब जाएंगे शिवराजपुर बीच की ओर। आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। और ये शिवराजपुर गांव, भाई साहब बहुत ही बड़ी लंबी लाइन है। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं शिवराजपुर बीच। अक्सर हम तभी प्रयास करना छोड़ देते हैं जब मंजिल एकदम करीब होती है। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर। तो स्वागत है आपका व्यास वाणी व्लॉग में। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं शिवराजपुर बीच पे और आप देख सकते हैं यहाँ के नजारे। और एक और बात, टेक्निकल इशू की वजह से व्लॉग थोड़ा लेट आया है। ये व्लॉग हमने शूट दिवाली सीजन का शूट किया था, मगर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इसलिए लेट आया है, तो सॉरी दोस्तों। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं शिवराजपुर बीच के नज़ारे, काफ़ी ट्रैफिक भी है इस टाइम। और हर एक प्रकार की एक्टिविटी, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, वो आप बोट राइड कर सकते हो, समुंदर बीच में आप जाके अंदर के तक बोट राइडिंग कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी है यहाँ पे, तो काफ़ी एक्टिविटी आप कर सकते हो यहाँ पे। नो प्लास्टिक जोन की ये नोटिस है। और हाँ जी, एंजॉय कीजिए ये बेहतरीन सिनेमैटिक नज़ारे। फैसिलिटी की बात करें तो हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है यहाँ पे। मिनरल वाटर की फैसिलिटी हो या किसी भी प्रकार के फिटनेस सेंटर हो, हर एक चीज का साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कहाँ जाए आप क्या करें ऐसा ही इंफॉर्मेशन, या फिर आफ्टर शावर हो या बुनियादी सुविधा हो। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ का इलाका सोलर पैनल सिस्टम पे चलता है और किसी भी तरह का कॉन्क्रीट की दीवार नहीं, बाम्बू स्टिक से पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। बात करें सिक्योरिटी और सेफ्टी की, तो सीसीटीवी की मदद से 2400 घंटे यहाँ पे मॉनिटरिंग भी होती है और लाइफगार्ड भी होते हैं, तो सिक्योरिटी में आप निश्चिंत रहिए। बात करें स्वच्छता की, तो बीच को राउंड द क्लॉक इस तरह से सफाई की जाती है बीच की, पूरा वहाँ पे स्टाफ भी लगा हुआ होता है और यहाँ आने वाली पब्लिक भी इतनी अवेयर है कि इस तरह के कोई कचरे फेंकते नहीं। एंजॉय कीजिए सनसेट पॉइंट के ये नजारे। विद एरियल व्यू और ये अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो स्कूबा डाइविंग के भी नजारे आपको हम दिखा रहे हैं कि स्कूबा डाइविंग आपको काफी मजा आएगा वहां पे भी। बहुत है और ये यहाँ एक इस तरह से आपको मैं दिखा दूँ कि जो ये जो वाइट बोल का पूरा ये बैरिकेडिंग किया गया है यहाँ पे, कि इसके अंदर ही आपको नहाना है, एंजॉय करना है, फुल मस्ती कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ गार्ड अवेलेबल है। आपको दिखाऊंगा रेड और येलो फ्लैग का मतलब है कि ये दो फ्लैग के बीच में लाइफ गार्ड अवेलेबल है, तो आप निश्चिंत होके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप काफी पब्लिक यहाँ पे मजाक मस्ती एंजॉय फुल फैमिली के साथ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो जो व्हाइट बोल का जो ये बैरिकेटिंग है, उसी के अंदर ही नहाने की परमिशन ये लोगों ने अभी तक नहीं दी है, क्योंकि इससे बाहर लाइव नहा सकते हैं आप, मगर ये लोग अभी ट्रैफिक की वजह से अभी बैरिकेडिंग जो आपको दिख रही है उसके अंदर ही प्रेफर करेंगे कि यहाँ लाइफ गार्ड अवेलेबल है, तो आप यहीं ही ना सकते, और ज़्यादा दूर जाएं तो भी लाइफ गार्ड में मना कर सकते हैं। आप फ्लैग देख सकते हैं येलो और रेड। चार या पांच लाइफ गार्ड अभी अवेलेबल हैं जो आपको दिख रहे हैं, ब्लू और ऑरेंज शर्ट में,
देख सकते हो ये बेहतरीन नज़ारे, और काफी क्लीन। मैंने आज तक ऐसा क्लीन बीच नहीं था। वही वजह है कि यहाँ शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, इंडिया के 8 बीच को मिला है, और पहले ही अटेम्प्ट, इंडिया का फर्स्ट टाइम है, पहले अटेम्प्ट में 8 बीच को ये सर्टिफिकेट मिला है। आप देख सकते हैं ये स्मार्ट इको विलेज प्रोजेक्ट है, जो यहाँ के जो लोकल है उनको इसमें शामिल किया जाता है, उनके द्वारा ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड की, यहाँ की, यहाँ की लोकल उनको भी ये रोज़गार मिले, यहाँ के वो लोग को बोटिंग करने के लिए परमिशन दी गई है वाटर स्पोर्ट में, और आप जो सेंट बाइक है वो भी आप राइड कर सकते हो। तो काफ़ी यहाँ के जो लोकल है उनको भी प्रमोट किया जाता है, को कुछ यहाँ रोज़गार उनको भी मिले। जो ये दिवाली का टाइम था तो ट्रैफिक भी बहुत ही था, बाकी मैंने यहाँ लोकल से बात की, ज़्यादातर संडे और सैटरडे को ट्रैफिक होता है या फिर त्योहार पे होता है, और ये दिवाली के 15 दिन पहले ही खुला, और शिवराजपुर बीच को ये सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि 1-2 साल हो गए हैं अभी। उसको गवर्नमेंट इतना प्रमोट नहीं कर रही है कोविड की वजह से। यहाँ शुगर केन जूस आपको मिल जाएगा, मगर ये लोग आपको अगर किसी भी चीज़ आपको देते हैं तो पहले यही शर्त रखते हैं, आप कोई भी कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे, नहीं डालोगे। और ये भाई साहब से जिनसे मैंने हमारी रीजनल लैंग्वेज में बात की, इनसे जानकारी ली, ये जो बोट, ये जो बोटिंग राइड कराते हैं स्पोर्ट बाइक से, तो जेट स्की हो या उसकी तरह से, तो आपको यहाँ 5 लोगों को बिठा कर समुंदर के बीच में ले जाते, और इनको परमिशन भी वो इतने ही दिए कि आप 1 या 2 किलोमीटर अंदर ही जा सकते हो, क्योंकि सीसीटीवी की नज़र में जब तक आया तब उतना ही अंदर आप जा सकते हो। उसके बाद ये देखिए स्पोर्ट बाइक, 100 रुपीज़ है पर पर्सन का, वो एक आध 1.5 किलोमीटर की राइड कराते हैं, वापिस वहाँ से लेके आते हैं। हाँ तो ये देखिए इस तरह से आपको समुंदर के बीचों बीच ले जाते हैं, आपको ये राइड कराते। 5 पर्सन होते हैं, आपको लाइफ जैकेट दिया जाता है, और एक उनका बंदा भी आपके साथ आता है, और उन सेफ्टी, मैंने उनको वही कहा सेफ्टी के दृष्टि से एक अलग से इनकी एक होती है बोट, स्पोर्ट बोट, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे, जो ये रेड आप दिख रहे हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे वो काम आती है, इसलिए सेफ्टी का यहाँ पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर लेके जाते हैं आगे। बोटिंग का चार्ज 200 रुपीज पर पर्सन है। हाँ जी, अरे मैंने कुछ बात की इन बच्चों से जो कि चाय बेच रहे थे, मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोग कहाँ से आते हो, ये सिराजपुर बीच के लोकल हैं, यहाँ के ही हैं, चाय बेचते हैं, तो मैंने उनसे चाय खरीदी। काफ़ी देर तक इनसे बातचीत हुई, इनके मैंने नाम जाने, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और ये है श्याम और टी। हाँ, जो आप नाइट कैंपिंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। इनके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी स्कूबा डाइविंग की, जो साइड है वहाँ पे स्कूबा डाइविंग विथ बीच कैंपिंग आप यहाँ कर सकते हो, ये जो दिया गया उनका ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उनसे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती फिर भी आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, और उनके जो लाइफ गार्ड होते हैं वो आपके साथ आते हैं और आपको पूरी प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। हाँ जी, तो व्यास वाणी व्लॉग का ये शिवराजपुर बीच का सफर यहीं पे खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कॉमेंट करिए आपको कैसा लगा हमारा ये शिवराजपुर व्लॉग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।